आज की ही डेट है, 30 दिसंबर की डेट है, उन्होंने लिखा है कि एडेड जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक के 1897 पदों पर भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मेरिट के आधार पर अंतिम चयन प्रक्रिया 30 दिसंबर से प्रारंभ होगी, मतलब आज से प्रारंभ। तो जो कट ऑफ है वो इतनी रहने वाली है। सबसे पहले हम बात कर ले गणित और विज्ञान की। देखो इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट सबसे ज्यादा थे और इसमें इनकी जो मेरिट थी वो भी सबसे ज्यादा थी, लेकिन क्या हुआ इसका जो एग्जाम है वो टफ आया था, तो इसलिए अनरिजल्ट कैटेगरी जो जनरल कैटेगरी है उसकी कट ऑफ अगर 74 के प्लस आपकी पॉइंट में भी आ रही 74 पॉइंट बन, तो आप अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हैं। इसके बाद आ जाए ओबीसी कैटेगरी में, तो 27% आरक्षण ओबीसी को मिलता है, इसलिए 72 कट ऑफ कोई गलत नहीं है। एससी कैटेगरी की 68-69 कट ऑफ ही रहने वाली है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत कम पास हुए हैं। EWS की 72.5 मैंने कह दिया कट ऑफ, इतनी ही रहने वाली है, आप बहुत ही जल्दी इसको देख सकते हैं 72.5 कट ऑफ EWS कैटेगरी की रहने वाली है। इसके बाद बात करते हैं SST में। SST में कट ऑफ वैसे कम होनी चाहिए थी, लेकिन क्या है इसमें जो भी मान लो UPSCR की तैयारी करने वाले वो बंदे हैं, उनने भी BEd कर रखा है, तो उनने भी एग्जाम दिया है, तो उनने काफी क्वेश्चन बढ़िया करे, उनकी वैसे ही तैयारी बढ़िया रहती है, तो 73 प्लस कट ऑफ रहने वाली है इसकी। ओबीसी में 71 रहेगी, एससी में 67 और ईडब्ल्यू में 71.5 कट ऑफ रहने वाली है। अब चूंकि भाषा का एक ही था, देखो भाषा में चाहे आप हिंदी लिए हो, संस्कृत लिए हैं, इंग्लिश लिए हैं, पोर्शन एक ही दिया गया था, तो चांस बहुत ज्यादा है कि एक ही कट ऑफ बने भाषा की लैंग्वेज की। तो अनरिजर्व कैटेगरी में अगर आपके 73.1 मार्क्स आएंगे तो आप सेफ महसूस कर सकते हैं और आप कमेंट भी कर सकते हैं। ओबीसी में आपके 71.5 के प्लस तो होने ही होने चाहिए, इससे कम है तो थोड़ी सी मुश्किलें आ सकती हैं। एससी कैटेगरी में 67 कट ऑफ रहने वाली है और ईडब्ल्यूएस में 72 भी है, तो आपके बढ़िया नंबर हैं। तो जो ये नंबर है बहुत ही एनालिसिस करके बनाई गई, तो इतने पर आप अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हैं। आपके कितने मार्क्स है कॉमेंट करके बताइए। मिलते हैं, आपको क्या करना है, अब आपको मैं बता दूँ कि डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो जल्दी से आप रेडी करके रख सकते हैं, क्योंकि फिर टाइम कम मिलेगा, तो इसलिए जो है अभी से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको 10th की मार्कशीट और प्रमाण पत्र आपको बिल्कुल रेडी करके रखने हैं। 12th की मार्कशीट, प्रमाण पत्र, ग्रेजुएशन की मार्कशीट और डिग्री। देखो ये तो सबके पास होगी डिग्री। देखो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मेरे पास डिग्री आई नहीं, मैंने आवेदन कर दिया है यूनिवर्सिटी से, तो अभी टाइम मिलेगा आपको, आराम से आपकी डिग्री आ जाएगी। अगर डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल को भी यूज कर सकते हैं, जो 6 महीने से ज्यादा पुराना ना हो तो प्रोविजनल भी लगा सकते हैं। अगर डिग्री नहीं मिलती तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं। इसका DLED BEd की मार्कशीट और डिग्री, जी हाँ डिग्री DLED की भी आती है, आप डाइट से कॉलेज में जाकर ले आए, मैं अपनी लेके आया हूँ अपनी डाइट से। इसका टेट सीटेट की सर्टिफिकेट चाहिए जूनियर वाला, जो आपने जूनियर पास करके करा था, तो टेट का तो मिलेगा आपको कहाँ से, डाइट से। सीटेट का आपका डिजी लॉकर पर रहता है अपलोड, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हो गया। इसका निवास प्रमाण पत्र जी, इसका जाति प्रमाण पत्र बिल्कुल, और ये दोनों जो आपके होने चाहिए पहले के होने चाहिए। मोस्टली देखो जाति प्रमाण पत्र तो पहले का ही होना चाहिए, जब आपने फॉर्म भरा था उसके पहले का। निवास प्रमाण पत्र आपने नया बनवा लिया है तो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। एक आइडेंटिटी प्रूफ होनी चाहिए जिसमें आधार कार्ड, वोटर आईडी, कोई भी चीज हो सकती है, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पैन कार्ड, तो ये सारी चीजें तो कंपलसरी है। कुछ एक्स्ट्रा चीजें और भी हैं जो आप बिल्कुल अपनी तरह से रेडी रख सकते हैं। सबसे पहले आय प्रमाण पत्र, मोस्टली इसकी जरूरत नहीं होती है, लेकिन आप अपना बिल्कुल नया वाला रेडी कर लें, 100 रुपए में बन जाता है, बनवा लो। फोटो चाहिए पड़ती है 10, बिल्कुल सिंपल बैकग्राउंड में, तो आप बढ़िया सी 10 फोटो बिल्कुल नई वाली खिंचवा के रख सकते हैं। शपथ प्रमाण पत्र लगेगा ये, तो अभी कोई जरूरत नहीं है, जब बिल्कुल डेट आ जाएगी तो तभी बनवाना ये। इसका मेडिकल सर्टिफिकेट लगता है, तो ये भी अभी नहीं बनवाना है, ये भी उसी टाइम बनेगा, एक दिन में ही बन जाता है। बैंक का एक ड्राफ्ट लगता है, कुछ रुपये का ड्राफ्ट लगता है, तो ये भी तभी बनवाना। इसके बाद फोटोकॉपी के 2 सेट आपको ये चाहिए पड़ेंगे, इन सबके 2 सेट, और इसके बाद ओरिजिनल। एक बढ़िया सी आप अपनी माँ बुलाइए फाइल, उसमें सारे डॉक्यूमेंट सजा के बिल्कुल अच्छे से रख लीजिए, ठीक है।